नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने हिंद महासागर में तैनात किया शक्तिशाली एयरक्राफ्ट। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत ने भी अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित मिलिट्री बेस पर शक्तिशाली पसाइडन 81 एयरक्राफ्ट की तैनाती की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हाल के दिनों में चीन की पनडुब्बियों की सक्रियता हिंद महासागर में बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए पसाइडन 81 एयरक्राफ्ट को वहां तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि रणनीतिक दृष्टिकोण से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए बेहद अहम है। इस एयरक्राफ्ट की तैनाती के बाद अब चीन की रणनीतिक चाल पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। नरसिंह राव ने गिरवाया था बाबरी ढांचा। हाशिम अंसारी ने कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य पैरोकार हाशिम अंसारी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने विवादित ढांचे को गिरवाया था। अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर ढांचा गिराने में सहयोग का आरोप लगाया है। अंसारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि अयोध्या में राम मंदिर या मस्जिद बनाने के मामले में फैसला हो, सभी केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। पेशावर में विस्फोट, 11 लोगों की मौत। पाकिस्तान की खबर एजेंसी के पेशावर में एक चेक पोस्ट पर मंगलवार को एक आत्मघाती हमले में 11 व्यक्तियों की मौत हो गई और 31 घायल हो गए। मरने वालों में अधिकतर खैबर खाफदार फोर्स के लोग शामिल हैं। समाचार पत्र एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार पेशावर के हैदराबाद मेडिकल अस्पताल के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। मृतकों में एक बच्चा और 4 सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। अमेरिका नीत गठबंधन ने किए आईएस के खिलाफ 35 हवाई हमले। अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को निशाना बनाकर इराक तथा सीरिया में 35 हवाई हमले किए हैं। गठबंधन सेना की उर्फी जारी बयान में कहा गया है कि सेना ने सोमवार को इराक के मोसुल के समीप आतंकवादियों के 10 सामरिक ठिकानों को निशाना बनाकर 25 हवाई हमले किए। चीन की विकास दर 25 साल के निचले स्तर पर। पिछले साल चीन की आर्थिक विकास दर घटकर 6.9% पर आ गई, जो 25 साल में सबसे कम है। इससे मंदी से उबरने के प्रयास के तहत प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की उम्मीद बढ़ी है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% रही, जो 7 साल में सबसे कम तिमाही विकास दर है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह पूर्वानुमान के अनुरूप है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.vibhdunia.com। नमस्कार।